ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीन अपने प्रोपेगेंडा और पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर खुद को सुपर पावर साबित करने में जुटा है। लेकिन भारतीय सेना ने अब ये ठान लिया है कि चीन को उसकी चाल में मात दिया जाएगा और इसके लिए भारतीय सेना ने भूमाफिया चीन के युद्ध मैनुअल को ही छान मारा है। और तो और, चीन के हर तरह के कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद चीन कितनी भी चालाकी कर ले, भारत उसे हर बार यह एहसास दिला देगा कि भारत के पास उसकी हर चाल की काट है। मीडिया सूत्रों की एक रिपोर्ट की माने तो जब चीन और जापान के बीच दूसरी जंग शुरू हुई थी तब चीनी सेना ने इस तरकीब का इस्तेमाल किया था और मौजूदा वक्त में पीएलए ने लासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी भी की है। लेकिन चीन की इस तरकीब को फेल करने के लिए भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के ह्यूम कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं, जिससे भारतीय सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सकता है और फिर युद्ध जैसे माहौल में हमला भी किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको इन पाइप्स की खासियत बताते हैं। दरअसल इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है, जिससे गुजरकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे सैनिकों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि दुश्मन कितनी भी फायरिंग कर ले, सैनिकों को आसानी से बचने का मौका मिलता है। और तो और, इनका इस्तेमाल गर्म जगहों पर भी किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। हालांकि भारतीय सूरवीरों को पहले भी ठंड से कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन दिक्कत तो चीनी सैनिकों को होने वाली है क्योंकि ऐसी जगहों पर चीनी सैनिकों ने कभी कदम भी नहीं रखा था। फिलहाल भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से चला आ रहा सीमा विवाद इस साल मई में एक बार फिर गर्माने लगा था, जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। अब तक यहां दो बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक बैठक कर समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है। लेकिन भारत को ये पता है, चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे में भारतीय सूरवीर तैयार हैं चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।